नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो सामने आपको ट्री देख रही है हमारा बुगनविला का है, और इस बुगनविला को देखिए काफ़ी तेज़ी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसको अब आज इसकी जो ब्रांच है उनको हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए जो ब्रांच हैं ये काफ़ी लंबी लंबी हो गई है, तो इनको हम शॉर्ट करेंगे। इसकी कुछ लीव्स भी हम रिमूव कर देंगे ताकि जो ट्री का जो बेस है वो हमें दिखे। दोस्तों, अब जो ट्री का थोड़ा बेस दिखने लगा है, ये इसकी ट्रंक दिखने लगी है और ये इसका कैनोपी बन गया है। पीछे भी ग्रीन प्लांट्स हैं इसलिए आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो। अब ये ठीक है। इस पे हमने जो ग्राफ्टिंग की थी, देखिए वो ग्राफ्टिंग अच्छे से ग्रो कर रही है। ये जो ब्रांच है ये ग्राफ्टिंग वाली है, ये भी। दोस्तों, मैंने इसको बड़े पॉट में लगा रखा है और मैंने इसको अभी ग्राउंड में रखा हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि इसकी जो रूट्स है वो नीचे चली जाती है, जिससे इसकी केयर हमें कम करनी पड़ती है। यानी कि इसको वाटरिंग का इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता जितना हम अगर इसको ऊपर रखेंगे तो वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी जो रूट्स है वो नीचे से अपना फूड भी ले लेती है और वाटरिंग यानी कि जो नमी है वो भी ले लेती है। तो एक बार जब ये ट्री मेच्योर हो जाएगा तब हम इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे और कहीं ऊपर रखेंगे। बिकॉज नीचे से क्या है, प्लांट्स की जो शेप है वो अच्छे से दिखती नहीं, और पीछे के जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन प्लांट्स है, तो ये प्लांट इतने अच्छे से दिख नहीं पाएगा। हालांकि इस प्लांट का जो कलर है लीव्स का वो थोड़ा डिफरेंट है, जो पीछे है वो ज़्यादा ग्रीन है, ये थोड़ा लाइट है, इसलिए थोड़ा सा हमें दिख रहा है लेकिन इतना क्लियरली नहीं दिख रहा प्लांट पूरा। आपको एक छोटा पॉट दिख रहा होगा, उसके अंदर एक्चुअली में क्या है, एक जो मनी प्लांट है वो है। और देखिए मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, इतनी छोटी सी कटिंग, और उसके बाद इसने कितनी ग्रोथ की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मनी प्लांट यहाँ से ग्रो करके यहाँ तक और उस दूसरे पॉट के अंदर चला गया है। ये देखिए कितना बड़ा मनी प्लांट हो गया है। दोस्तों, बुगनविला में फ्लोरिंग तभी आएगी जब आप उसकी जो ब्रांच है उसको अच्छे से ग्रो होने देंगे। यानी कि जब आपकी ब्रांच मेच्योर हो जाती है तब उस पर फ्लोरिंग आती है। लेकिन मैं इसको टाइम टू टाइम इसको शॉर्ट करता रहता हूँ, इसकी ब्रांचों को कट कर देता हूँ, उसकी वजह से इस पर फ्लोरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मेरे एक और प्लांट है बुगनविला का जो कि पॉट में लगा हुआ है, तो उसकी ब्रांच मैंने इस सीजन पूर्ण नहीं की थी, वो वैसे थी तो उस पर अच्छे से फ्लोरिंग आई थी। दोस्तों, बुगनविला को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं हम, और इसकी कटिंग आप अगर आपके पास ग्राउंड है तो ग्राउंड में ग्रो कीजिए। ग्राउंड में इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी जल्दी बनती है। बुगनविला की केयर बहुत कम करनी होती है इसकी, इसको वाटरिंग कम दें और जितनी कम इसमें वाटरिंग देंगे जो फ्लोरिंग है उतनी अच्छी आएगी। ओवर वाटरिंग से क्या है, इसकी जो रूट्स है वो सड़ जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके लीव्स का जो साइज़ है वो इतना बड़ा हो चुका है कि जो नॉर्मल बुगनविला है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। उसका कारण यही है कि इसकी जो रूट्स है वो नीचे चली गई है और ज़मीन से फूड ले रही है, उसकी वजह से इसका जो लीव्स का साइज़ है वो इतना बढ़ गया है। जब हम इसकी जो नीचे जा रही है वो रूट्स कट कर देंगे और उसके बाद जब इसको डिफॉलेज करेंगे यानी कि इसके सभी लीव्स रिमूव करेंगे तो उसके बाद जो लीव्स आएंगे उनका साइज ऑटोमेटिक छोटा होता चला जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।